घोड़ा थाना जड़गा चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत मिरी में छुरी निवासी मनोज अग्रवाल के द्वारा पुल निर्माण कार्य विगत 3 वर्षों से किया जा रहा है। पुल निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण उनकी पोल संबंधित सामग्री को चोरों ने किया हाथ साफ और हाथ साफ कर लाखों रुपए की क्षति पहुंचाई। जड़गा चौकी प्रभारी के द्वारा बड़ी सोची समझी मुस्तैदी के साथ चोरों को किया गया गिरफ्तार, जिसमें मुख्य सरगना तेंदू भाटा निवासी इंद्रपाल साहू अपने साथियों के साथ क्षेत्र में लगातार चोरी की घटना को अंजाम देता रहा है। इसी बीच बीती रात मिरई से मनोज अग्रवाल के सामान को पिकअप में दूसरी ट्रिप के लिए पहुंचा मिरई चौकीदार को चुपचाप रहने को किया मजबूर। दूसरी बार चोरी को अंजाम देने पहुंचा तो इसकी सूचना अपने मालिक मनोज अग्रवाल चोरी निवासी और जड़गा चौकी को सूचना दी। ये लगभग रात 2 बजे की घटना है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस जड़गा चौकी प्रभारी विष्णु प्रसाद यादव ने अपने दलबल के साथ चोरों को रंगे हाथों पकड़ा। सरगना इंद्रपाल साहू के द्वारा विगत कई दिनों से लगातार क्षेत्र में चोरी को अंजाम देता रहा, जिसमें जड़गा बस स्टैंड, पान ठेला, मोबाइल दुकान, सीमेंट दुकान में भी लाखों का चूना लगा चुका है। चौकी प्रभारी विष्णु प्रसाद यादव की सूझबूझ से लोगों ने राहत की सांस ली। मनोज अग्रवाल ने बताया कि छुरी निवासी शिवम देवांगन के द्वारा चोरी के लिए गाड़ी किराए में उपलब्ध कराता है, इसलिए गाड़ी मालिक के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की चोरी में लगाम लगाई जा सके। मुख्य चोरी सरगना के साथ बड़ी सोची समझी साजिश के लिए लगभग 10 से 15 लोगों का गिरोह बनाकर चोरी को अंजाम देते थे। आज से 1 सप्ताह पहले इंद्रपाल के द्वारा ग्राम पंचायत मिरी से एक पिकअप सिट्रिंग प्लेट इंद्रपाल तेंदू भाटा निवासी के द्वारा 53,000 में बेचा गया था। पुलिस के द्वारा इंद्रपाल से और कहां कहां चोरी को अंजाम दिया, जिसकी छानबीन और पूछताछ की जा रही है। चोरी कराने वाला हूं, चोरी कराकर जी। तो ये यहां आपका कैसे आगमन हुआ? यहां जो है जड़गा के पास जो है ना, मेरा कर्रा डांड में लोक निर्माण विभाग सेतु का पुल निर्माण का मेरा कार्य चल रहा है। तो वहाँ पुल निर्माण से संबंधित जो सटरिंग के सामान है, लोहे के प्लेट है, सटरिंग सामान है, सारे रखे हुए हैं। एक सप्ताह पहले वहां से करीबन 35-40 ठो मेरा सटरिंग प्लेट चोरी हो गया, करीबन 1.5 लाख रुपया का। उसकी सूचना मैंने थाने में दी थी। कल रात को चोर वहां पुनः आए थे साइड में चोरी करने। कौन से साइड में? मेरई के पास है, पुल निर्माण का साइड है, वहां चोरी करने आए थे। तो जो चौकीदार है और गांव वाले की मुस्तैदी से उन्होंने थाने में सूचना दे दी। जब माल लोड करके निकले चौकीदार ने, तो पुलिस की मुस्तैदी थी, पुलिस ने तत्काल मुस्तैदी दिखाई और चोरों को जो है पकड़ लिया रंगों का चोरी करते जी। ये जड़गा चौकी के पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई, इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, अब इनके द्वारा सब ये बयान लिए जा रहे हैं संबंधितों के, उसके बाद कार्रवाई जो है ये सब कर रहे हैं। और इसमें जो है मुख्य सरगना ये जो गाड़ी है जिसके ये किसका गाड़ी है आपको चोरी का ही है, ये बिट्टू देवांगन चला रहा था, ये लोग सरगना है मुख्य। इनका काम ही है कि चोरी के लिए गाड़ी उपलब्ध कराना रात। पुलिस को विशेष कार्रवाई इनके ऊपर करना चाहिए जी, क्योंकि लोगों को चोरी का सामान ले जाने के लिए गाड़ी नहीं मिलेगा तो कहाँ चोरी करेंगे। अब बता, छुरी का आदमी यहाँ के आदमी को चोरी के का नाम बाबा कन्हैया लाल का इस रात को बता रात में गाड़ी लानी भैया तो मैं पूरा भूखी कहाँ गया, निकल के रोड में खड़ा है उसका बेर गाड़ी न मोड़ के लानी खड़ा करी और फिर डंडा चोरी में बैठ के हमें बैठ गए। अच्छा, कुछ बोलना नहीं है। कितने आदमी थे? भरे थे 7-8 आदमी थे। अच्छा, क्या बोले आपको? ओमान बैठ के ही चुप। फिर क्या किया आप? कुछ नहीं, इतना सब चुप करेंट पौने खतरे से नहीं लगी। हाँ, फिर बिहाना गाड़ी लगी। कितने बजे रात की घटना है? समय न्यूज के लिए पौड़ी उपरोड़ा से नंद यादव की रिपोर्ट।